देवास जिले के खातेगांव में थाना गोपालपुरा के अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। घटना 19 जनवरी 2020 रविवार की है, जब नाबालिग युवती अपने घर पर अकेली थी। तभी ग्राम के ही विजय मीणा, पिता चंपालाल मीणा और धूम सिंह मीणा आए और माता पिता की पूछने लगे। वही नाबालिग युवती ने कहा कि वह रिश्तेदारी में गए। घर पर अकेली होने का फायदा उठाकर दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। वही नाबालिग के माता पिता जब 4 दिन बाद घर लौटे तो युवती द्वारा आपबीती सुनाई गई। इसके बाद युवती ने माता पिता द्वारा गोपालपुर थाना आकर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस द्वारा युवती की शिकायत पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे और किस काम से गए थे, बाहर गए थे, तो विजय और धूम सिंह आए दोनों। विजय ने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मेरे साथ बहुत गलत काम करा और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी दे। आपको किसी प्रकार की धमकी भी दी है क्या? उसको मुझे बहुत धमकी दी उसने कहा कि अगर तूने ये मम्मी पापा को ये बात बताई तो मैं तेरा वीडियो सब दूर फैला दूंगा, और वीडियो फैला दे अगर तू बता दे। बहुत धमकी दी मुझे उसने, बहुत धमकी दी। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसको फांसी लगे, फांसी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।